बकवास मूवी है। सनी देओल की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास नहीं है। गाने के बारे में? गाने, म्यूजिक, डायरेक्शन कुछ खास नहीं है। कितने स्टार देना चाहेंगे? एक। अच्छी थी, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, कॉमेडी थी एंड आई एंजॉयड इट। सनी देओल एंड प्रीति जिंटा वाज सुपर। उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज ऑलवेज बोथ ऑफ देम बहुत अच्छे। कितना स्टार देना चाहेंगे? 3.5। स्टोरी अच्छी थी और सनी देओल की एक्टिंग बहुत बढ़िया। सनी देओल, प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी। कितने स्टार देना चाहिए? मैं 3 स्टार। स्टोरी मूवी मुझे बहुत ही एवरेज लगी, यू नो, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी अच्छी नहीं है, बट आई वुड से वन टाइम वॉच। स्टोरी कैसी? स्टोरी ठीक है, मतलब नॉट वेरी हैपनिंग, दैट इज़ द मेन पार्ट, बट थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स हैं, थोड़े वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से अच्छी लगेगी। इट्स एंटरटेनिंग बट अगेन नॉट वेरी हैपनिंग। प्रीति जिंटा का अच्छा लगा देख के आफ्टर लॉन्ग टाइम, यू नो, इट्स अ कमबैक मूवी, सो उनका यूपी एक्सेंट उन्होंने एक्वायर किया है तो बहुत ही अच्छा रोल है और उनको डायलॉग्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो उनका रोल अच्छा है एंड सनी देओल और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सॉन्ग्स, म्यूजिक बहुत ही एवरेज है। आई वुड लाइक टू गिव 2 स्टार्स। मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी। कितने स्टार देना चाहोगे? 3। गाने के बारे में क्या? गाने 3-4 गाने, उसमें से एक गाना अच्छा है। आपको कौन सा ऐसा डायलॉग जो बहुत अच्छा लगा? ऐसा कोई ऐसा है नहीं डायलॉग कि बिल्कुल वो बिल्कुल हमेशा ध्यान में रहे, ऐसा कुछ खास नहीं है। सनी देओल की एक्टिंग के बारे में? सनी देओल अच्छा किया उन्होंने, जो माचो मैन टाइप के उनको डायलॉग्स मिले वो अच्छे किए, बट जो कॉमेडी करने की कोशिश की थोड़ी सी वो हल्के रह गए। सनी देओल और प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री कैसी लगी? नहीं, ऐसा कुछ इतना वो नहीं था, बट हाँ अच्छा है दोनों का, वो अच्छा क्योंकि उनको पहले भी हम देख चुके हैं। मूवी सनी देओल की है, लेकिन जिस हिसाब से सनी देओल अपनी दूसरी फिल्मों में जिस तरीके से वो निखर के आते हैं, 2.5 किलो का हाथ एंड ऑल, उनका अलग ही अंदाज रहता है, उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी वीक है। प्रीति जिंटा और सनी देओल की केमिस्ट्री कैसी लगी? प्रीति जिंटा और सनी देओल की केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रीति का कमबैक है, तो उस हिसाब से वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई है स्क्रीन पर, मुझे ऐसा लगता है। सॉन्ग ओवरऑल ठीक ठाक है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना गंदा भी नहीं है, मिला जुला के हम सुन सकते हैं, एक दो बार सुनने लायक है सॉन्ग। ऐसा कोई डायलॉग जो अच्छा लगा? डायलॉग तो कुछ खास नहीं लगा मुझे, लेकिन एक डायलॉग था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वैसे भूल गई हूँ मैं। कितने स्टार देना चाहूँगी? मैं 2.5 स्टार दूँगी। थैंक यू। मूवी के बारे में क्या कहना चाहूँगी? मूवी से तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी आने के पहले, बट वो एक्सपेक्टेशन उतनी ही नीचे निकल गई। प्रीति जिंटा और सनी देओल की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहूँगी? केमिस्ट्री मुझे कुछ लगी ही नहीं, दो प्रीति जिंटा बहुत हॉट लग रही थी, बट उनके बीच की केमिस्ट्री मुझे कुछ जमी नहीं। हमेशा सनी देओल को माचो मैन में देखा जाता है, तो इस बार कम कॉमेडी किया उन्होंने, तो कैसा उन पे सूट कर रहा था? आई थिंक सो, वो माचो मैन ही उन पे सूट होता है, कॉमेडी ने उन पे बिल्कुल सूट नहीं किया। शायद उनको और टाइम लगे कॉमेडी सीखने के लिए, बिकॉज उनके साथ अरशद वारसी और श्रेयस चल पड़े थे, उन्होंने पूरा यू नो स्टेज खा लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सनी देओल कम पड़ गए कॉमेडी के। सॉन्ग के बारे में क्या? सॉन्ग ठीक था एज कम्पेयर टू, अगर मूवी देखा जाए तो सॉन्ग वॉज गुड, नॉट बैड। कोई डायलॉग जो अच्छा लगा? नहीं, इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी। कितने स्टार देना चाहिए? 2, only just because of the star.